हेलो बच्चों, क्या हालचाल। तो आज हम लेके आए हैं चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा। जैसा कि मैंने आप लोगों से वायदा किया, मैंने 14 लेक्चर आपके जो है यूट्यूब पर अपलोड कर दिए हैं चैनल पर, और जो है आज मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 15। होप आप सब लोग उसे एंजॉय कर रहे होंगे और जो है ज्यादा से ज्यादा उसे सब जो है पढ़ रहे होंगे और उसका फायदा उठा रहे होंगे। तो बच्चों, कैसा है आपके यहाँ मौसम जो है? यहां बहुत फॉग है। ओके, देखिए चलते हैं। तो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा अर्थात करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये यूनिट नंबर 2 है जो 7 मार्क्स की आती है। अब देखिए बेटा, इसमें सबसे पहला और जो सर मतलब करंट लगाने वाला टॉपिक जिसका नाम है विद्युत धारा। देखो बच्चों, बहुत मजे आने वाले हैं आज, और अधिक ऊर्जा के साथ आज चीजें होंगी। विद्युत धारा जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट। आप लोगों को मालूम है बेटा चालक के बारे में। चालक में जो है विद्युत धारा बहती है। हमने कहा था चालक जो है वो है जो विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित कर सके। तो कोई भी मान लीजिए इस शेप का कोई चालक है बेटा, इसका एक एंड ये है और दूसरा दूसरा एंड ये है। अब इस चालक में अब तक हमने बेसिकली जो है अब तक जो चैप्टर थे चैप्टर 1 चैप्टर 2 में सीखा कि साहब विद्युत आवेश स्थिर अवस्था में है, तो हम उसे बोल लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब क्या बोल रहे हैं कि अब विद्युत आवेश स्थिर अवस्था में नहीं है, बल्कि विद्युत आवेश नियत वेग से एक जो है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। तब क्या आएगा बेटा? तब कंसेप्ट आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और यदि विद्युत आवेश में जो मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तब बेटा अगर विद्युत आवेश में मतलब त्वरण उत्पन्न हो रहा है, तब बेटा कंसेप्ट आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, विद्युत चुंबकीय की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो चैप्टर 6, 7, 8 में हम पढ़ेंगे। यहीं से जो है मालूम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा विद्युत आवेश एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तब करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आता है। तो जो है इस चैप्टर में आपको ये मालूम पड़ेगा कि विद्युत आवेश में तो ऐसा मालूम पड़ा जैसे कि सब त्वरण उत्पन्न हो गया या विद्युत आवेश का वेग जो है स्पीड अप हो गया, ऐसा नहीं होगा। जो है देखिए इसमें हम जो है तो विद्युत विद्युत आवेश अगर जो है गतिमान अवस्था में है तो उसका मीन्स है कि जो है विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। तो विद्युत आवेश के गतिशील होने के कारण विद्युत धारा का उत्पन्न होता है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब मान लीजिए चालक है। अब चालक में क्या होता है बेटा? चालक में बेसिकली इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसका ऑर्डर देखें तो 10^29 पर मीटर क्यूब, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को अब बता चुका हूं। तो ये मुक्त जो इलेक्ट्रॉन जो है गति करने के लिए फ्री होते हैं। तो अब ये हमें जानना है कि विद्युत धारा का माप क्या होगा। तो एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड को क्रॉस कर रहे हैं। एक सेकंड में अगर आई का वैल्यू मान लीजिए, मैं कह रहा हूं अगर आई एक समान रूप से बह रही है तो आई का वैल्यू क्या होगा बेटा? Q/T। क्यू क्या है? आवेश बट्टे समय। तो ये जो है विद्युत धारा का सूत्र हो गया। तो इकाई समय में अगर टी का वैल्यू एक सेकंड है तो इकाई समय में जितना आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे को क्रॉस करता है उसे ही बेटा विद्युत धारा की माप कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ये अब देखिए
इसमें एक टर्म आता है औसत विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा का मतलब बेटा एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बेसिकली मान लीजिए कुल आवेश डेल्टा क्यू, कुल आवेश बटे कुल समय, इसे बोल सकते हैं आई एवरेज। कुल कितना जो है आवेश जो है ना, कितने कुल टाइम में क्रॉस हुआ है उसका रेशियो है आई एवरेज। एक एक आता है तात्क्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस विद्युत धारा, तात्क्षणिक इलेक्ट्रिक करंट मीन्स ओके किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम है ना, किसी क्षण पर, तो वो क्या हो जाएगा सिंपल डी क्यू ओवर डी टी। क्यू को टाइम के साथ अवकलन करना है तो यहां से डी क्यू की वैल्यू क्या आ रही है आई डी टी, या टोटल क्यू कैलकुलेट करना है तो आई का डी टी के टर्म में समाकलन कर देना है। ये रहा, तो यहां से भी आ सकता है कि क्यू का वैल्यू क्या होता है, क्यू का वैल्यू आई इंटू टी, तो Q जो है I इंटू टी के मल्टीप्लाई करने से आता है। तो अब यहां पे ये सीखना है कि जो है क्या रहेगा SI मात्रक ऑफ I, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होगा। देखो यहां से आ रहा है कूलाम पर सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम सेकंड इनवर्स, इसी को जो है इन दी ऑनर ऑफ ग्रेट फिजिसिस्ट कूलाम साहब के नाम से क्या कहेंगे बेटा बताओ, एम्पियर, एम्पियर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। ओके, आपने लैब में देखा होगा कि जो है जो आपके एमीटर होते हैं वो जो है विद्युत धारा को नापते हैं, तो कहीं कहीं लिखा होता है ए, और ऐसे एक जो स्ट्रेट लाइन बनी होती है उसे बोलते हैं डीसी आमीटर, मतलब दिष्ट धारा को नापने वाला आमीटर है। कभी कभी ऐसे बना होता है मिली आमीटर, जो है मिली एम्पियर में धारा को नापता है, ऐसे होता है। तो ये 10^-3 वन मिली एम्पियर इक्वल टू 10^-3 एम्पियर, ऐसे क्या होता है माइक्रो एमीटर होता है, माइक्रो एमीटर मीन्स 10^-6 एम्पियर। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि विद्युत धारा जो है एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब मूल भौतिक राशि है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर जो आवेश मूल भौतिक राशि है, आई जो है ना, बेसिकली आई विद्युत धारा एक मूल भौतिक राशि है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर है, मूल भौतिक राशि है। अब ये जानना है कि साहब जो है विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेटा बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखो बेटा, मान लीजिए ये जो है आपका कंडक्टर है, अभी इसमें जो है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो साहब जो है मोशन में हैं, गति कर रहे हैं। तो अब मुझे आप ये बताओ बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या जो है, मान लीजिए कोई मेरे पास मेटल की कोई जो है, मान लीजिए ये कोई मेटल का जो है बॉडी है, तो इसमें क्या है बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो से कर रहे हैं गति कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के या फिर जो किसी भी आवेश की गति करने से जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो क्या लगेगा, शॉक लगेगा, बाल खड़े हो जाएंगे।
अब बेटा बताओ क्या ये जो है इसमें मुझे 100 क्यों नहीं लग रहा है, ये भी सब मेटल है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, मोशन में है, तो इसमें मुझे 100 क्यों नहीं लग रहा है। तो बेटा इसका आंसर यह है कि जब भी जो है इलेक्ट्रॉन इस चालक में है, अभी जो है अभी कोई बाहरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं है, तो क्या होगा इसके अंदर जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो सभी जो है रैंडम मोशन में होंगे, मतलब अनियमित गति होगी, रैंडम मोशन में, इस टाइप से कोई कहीं कोई कहीं, इस टाइप से इनके जो है वेलोसिटी वेक्टर जो है वो बेटा अनियमित रैंडम मोशन में होंगे। जो है क्यों होंगे रैंडम मोशन में, इसके ऊष्मीय ताप के कारण, ऊष्मीय ताप के कारण, थर्मल टेम्परेचर के कारण इसमें ऊष्मीय वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी, ऊष्मीय वेग आ जाएगा जिसका मान लगभग 10^5 मीटर प्रति सेकंड, मतलब उच्च ऊष्मीय वेग रहता है, ऊष्मीय ताप के कारण इनमें रैंडम मोशन हो रहा है, तो रैंडम मोशन होने की वजह से इनकी थर्मल वेलोसिटी का एवरेज क्या हो जाएगा बेटा, 0, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज 0 हो जाएगा, वेक्टर सम 0 हो जाएगा, इसका मतलब इसमें कोई भी जो है आवेश का फ्लो ही नहीं हो रहा, ओवरऑल जो है आवेश का थर्मल वेलोसिटी 0 हो गई, तो इसीलिए इसमें जो है विद्युत धारा उत्पन्न नहीं हो रही। लेकिन बेटा जब भी जो है इसे जो है ना किसी बैटरी के द्वारा विभवांतर दिया जाता है, अगर विभवांतर देंगे तभी तो जो है आवेश फ्लो होगा, अगर अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो फिर आवेश फ्लो नहीं होगा। तो बेटा ये जो है उच्च विभव होता है, ये निम्न विभव होता है, मान लीजिए ये वोल्टेज भी है, ये 0 है, ठीक है, तो अब जो है पॉजिटिव आवेश आपका जो है उच्च वोल्टेज से, उच्च पोटेंशियल से निम्न जो है पोटेंशियल की ओर जाएगा, ये जो है विद्युत धारा की डायरेक्शन होती है। कहने का मतलब पॉजिटिव आवेश के बहने की, पॉजिटिव आवेश के बहने की दिशा है ना, समझना बेटा ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव आवेश के बहने की दिशा ही विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की डायरेक्शन कहां से कहां होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इसे ही बेटा बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। लेकिन आप लोगों को मालूम पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में क्या रहता है, स्थिर रहता है, पॉजिटिव चार्ज तो बहता नहीं है, बहता क्या इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो जो बेटा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, इस साइड में है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अब जो है जब भी कोई वोल्टेज अप्लाई हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव साइड से, क्योंकि ऐसा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो जो है पॉजिटिव साइड को भागेंगे, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में जाएंगे तो जो है इस जो प्रकार से जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये क्या है, ये जो आपका निम्न विभव से उच्च विभव को बह रहा है, निम्न विभव से उच्च विभव, मतलब इलेक्ट्रॉनों के कारण जो विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक करंट। अब आप ध्यान से देखो कि जो है विद्युत धारा ये वाली जो है कन्वेंशनल करंट क्या है, इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत डायरेक्शन में लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत डायरेक्शन में हम जो है विद्युत धारा, मतलब कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन लेते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में होती है।
कौन सी? इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाली धारा। आप लोगों को मालूम है बेटा, जो है कोई भी पॉजिटिव आवेश होगा तो उसके कारण जो है बाहर की इस साइड में बल विद्युत बल अप्लाई होता है, और अगर नेगेटिव होता है तो उसका जो है इस साइड में विद्युत बल अप्लाई होता है। तो ये जो है इस प्रकार से आपने देखा कि सब इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के बहने के कारण एक विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है, तो विद्युत धारा का डायरेक्शन हम इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में लेते हैं, या फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसके विपरीत डायरेक्शन में लिया जाएगा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बहने वाली धारा। तो बेटा अब आपका हमारा क्वेश्चन ये है कि विद्युत धारा की प्रकृति क्या है, विद्युत धारा का नेचर क्या है, ये एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो बेटा आप लोग देखिए, विद्युत धारा में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, तो क्या ये जो है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है? तो आपका आंसर है ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। कारण क्या है उसका? जो भले ही इसमें जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी वही फिजिकल क्वांटिटी होती है जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सदिशों के योग के नियम का पालन करती हैं। तो बेटा सदिश के योग का नियम मान लीजिए, इस साइड से एक विद्युत धारा आ रही है आई वन, इस साइड से विद्युत धारा आ रही है आई टू, इन दोनों के बीच में मान लीजिए 60 डिग्री है एंगल। तो जो है वेक्टर सम ये बोलता है कि इनका जो वेक्टर सम होगा वो आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर प्लस टू आई वन आई टू कॉस 60 का स्क्वायर रूट टाइप से आना चाहिए। लेकिन यहां आप देखेंगे हमेशा विद्युत धारा कितनी आएगी, आई वन प्लस आई टू। अब एंगल आप कर दो, चेंज कर दो, यहां जो एंगल आपने मान लीजिए कर दिया 90 जो है, ओके 90, तब भी आप देख रहे हैं ये क्या आ रहा है, हमेशा आई वन प्लस आई टू ही आ रहा है इस टाइप से। तो जो है दो, जो है दो विद्युत धाराओं के बीच का कोण आप कितना भी ज्यादा कम कीजिए, विद्युत धारा आई वन प्लस आई टू आई, मतलब ये जो है सदिशों के योगफल के नियम का पालन नहीं कर रही है, ये तो जो है स्केलर के नियम का पालन कर रही है। तो इसीलिए बेटा विद्युत धारा की प्रकृति को हम जो है 12th क्लास के लेवल तक मानेंगे कि ये अदिश भौतिक राशि है। लेकिन आप जैसे हायर कोर्सेज में जाएंगे तब ये बताएंगे कि ये तो जो है टेंसर फिजिकल क्वांटिटी है, टेंसर, टेंसर का मतलब प्रदिश, तो ये जो है वेक्टर नहीं है, ये क्या है बेटा अदिश भौतिक राशि है आप लोगों के जो है 12th के कोर्स में। तो यदि टेंसर का भी है ऑप्शन तो आप सबसे पहले टेंसर को की कीजिए टिक, बाई चांस अगर जो है ऑब्जेक्टिटा का आप क्वेश्चन आता, हालांकि ये 12th बोर्ड में ये नहीं आएगा टेंसर, तो ये क्या है एक अदिश भौतिक राशि है। तो इस जो प्रकार से बेटा हमने सीखा कि जो है पॉजिटिव आवेश के बहने की डायरेक्शन अर्थात इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत डायरेक्शन में विद्युत धारा की डायरेक्शन लेते हैं, जिसे हम कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं, अर्थात उच्च जो है विभव से निम्न जो विभव की डायरेक्शन होती है, इसकी प्रकृति स्केलर है। तो इसी में बेटा प्रॉब्लम भी आती है, देखो ऐसे आई इक्वल टू ये क्या है क्यू ओवर टी, तो क्यू का वैल्यू कितना होता है एन ई ओवर टी, मैंने ये चैप्टर वन में बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा ये मालूम करना है कि मान लीजिए एक कूलाम आवेश है, एक कूलाम आवेश अगर एक सेकंड में फ्लो हो रहा है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो यहां से बेटा एन का वैल्यू आ जाएगा 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में फ्लो हो रहे हैं तो इसका मीन उस विद्युत परिपथ में 1 एम्पियर विद्युत धारा फ्लो हो रही है। तो ये सर पूछते हैं, ठीक है अब देखिए एक जो एम्पियर विद्युत धारा का मतलब है 6.25 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में फ्लो होने चाहिए। अब बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ रहा है जो जो है बोर्ड एग्जाम में आना लगभग तय है,
बोर्ड एग्जाम में वो इस साल आना ही चाहिए। देखिए जिसमें हमें सीखना है, और ये बड़ा 5 जो मार्क्स का भी आता है जिसमें हमें जो है डेरिवेशन करना है, या जो मतलब 3-3 मार्क्स के छोटे छोटे बीच बीच में से अब डेरिवेशन आते हैं। मैं इसे आपको पूरी एक कहानी है, पूरी कहानी में आपको यहाँ पे जो है समझा दूंगा। बीच बीच में जो क्वेश्चन इक्वेशंस आएंगी उनमें से भी जो है क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये बड़ा क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, देख लेगा। इसका हेडिंग हम ऐसे लिख सकते हैं, धात्विक चालकों में विद्युत आवेश, धात्विक चालक में विद्युत आवेश का प्रभाव, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ मेटेलिक कंडक्टर, फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ मेटेलिक कंडक्टर। देखो समझो, मान लीजिए ये कोई एक जो है मेटेलिक कंडक्टर है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए है, इसका मान लीजिए लेंथ एल है, ठीक है। अब इसमें इस जो है कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लीजिए जो है एक एंड से दूसरे एंड की ओर जो सा इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहे हैं, मतलब कहने का मतलब किसी भी क्रॉस सेक्शन को जो है, यदि क्रॉस सेक्शन ए क्रॉस सेक्शन दो ये है, तो जो है इस क्रॉस सेक्शन को जो सा इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं उनका नंबर है एन। एन जो है क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इकाई आयतन के लिए बेटर, इसे आप रखो याद, इलेक्ट्रॉनों की संख्या इकाई आयतन की, मतलब आयतन, ओके, कंडक्टर के इकाई आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो एन इक्वल टू आप मान सकते हो, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन एन क्रॉस हो रहे हैं तो एन ओवर आयतन, आयतन मतलब ए इंटू एल, एरिया इंटू एल से आ जाएगा आयतन। तो कैपिटल एन जो कुल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या जाएगी, एन ए इंटू एल, इक्वेशन नंबर एक मान लो इसे बेटा, इतने जो है इलेक्ट्रॉन क्रॉस सेक्शन से पास हो रहे हैं, है ना किसी भी जो है परिच्छेद क्षेत्रफल से पास हो रहे हैं। अब देखिए अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई नहीं हुआ है। इस टाइप से जब कभी भी बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होंगे, इनका जो है रैंडम मोशन होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनके थर्मल टेम्परेचर के कारण, हर एक बॉडी का अपना एक टेम्परेचर होता है, उसके कारण ये गति जो है कर रहे होते हैं। तो रैंडम मोशन में है, मान लीजिए जो है इनके प्रारंभिक वेग u1 u2 u3 u4 .. है, तो इन सब का रैंडम मोशन है। तो अगर इनका मैं इनकी थर्मल वेलोसिटी का एवरेज ले लूं, एवरेज, तो ये क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। इसका मीन्स क्या है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बिफोर अप्लाइंग दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इनकी थर्मल वेलोसिटी, मतलब औसत ऊष्मीय वेग बोलना बेटा, औसत ऊष्मीय वेग, ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग जो है शून्य होगा। तो ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, अब मान लीजिए अब आपने एक जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां अप्लाई कर दिया, जिसकी डायरेक्शन मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ये एंड हो गया पॉजिटिव हो गया, ये एंड नेगेटिव हो गया। अब क्या होगा, अब जो है इलेक्ट्रॉन
अब कहानी कैसे होगी बेटा, अब इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव साइड में भागेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की ओर भागेंगे। तो मान लीजिए ऐसा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एंड की ओर जाएगा तो एक वहां पे पॉजिटिव छोड़ के आएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव एंड से टकराएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, तो जो है पॉजिटिव एंड जो सब जो है इस जो है एटम इस मेटल के जो एटम है उनसे उसकी टक्कर होगी, जो है टक्कर होगी तो वो जो है इस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस के कारण आना चाह रहा है पॉजिटिव एंड की ओर, लेकिन यहां टक्कर होने से इसकी एनर्जी का हो गया क्षय हो गया, तो ये फिर से साहब जो है दूसरे से टकराए वहां पे है ना एनर्जी का क्षय हुआ, लेकिन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसे फिर से एनर्जी मिली, तो ये साहब फिर से साइड में आया, ऐसे ऐसे है ना टक्कर हुई, एनर्जी कम हो गई, मतलब ओवरऑल ये साहब जो है आएगा पॉजिटिव एंड की ओर, लेकिन इसे यहां तक आने में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, घचर 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 इससे हो रही है टक्कर, फिर इस साइड में आ रहा है, फिर टक्कर हो रही है, फिर ऐसे आ रहा है, लेकिन ये ओवरऑल जो है आप पॉजिटिव साइड में ही रहा है, बहुत सारे जो है मेटल के एटम्स के द्वारा इसका टक्कर हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ये सब जो है पॉजिटिव एंड की ओर आ जाएगा। तो ये कहानी एक जो है इलेक्ट्रॉन की नहीं है बेटा, ये कहानी जो है सभी इलेक्ट्रॉन इसी टाइप से करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को इस साइड से साइड तक आने में बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, और ये जो है कम स्पीड से ही इस साइड में आ पा रहा है, 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ठीक है बेटा, इसी एवरेज वेलोसिटी को अगर इसका हम जो है औसत ले लें, इसी औसत वेव को बोलते हैं बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या अनुगमन वेव या अफवाह वेव, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो बेटा यहां पे हमने इसे दिखाते हैं वीडी से, वीडी क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहां पे हमने सीखा कि सर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति के कारण नेगेटिव एंड की ओर एक बहुत कम औसत वेग से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के इसी औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं। बेटा ये एग्जाम में आता है, बहुत आता है एग्जाम में, जो है ये एग्जाम में बहुत आता है, तो आपको ड्रिफ्ट जो है वेलोसिटी का वो मतलब डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। यह इलेक्ट्रॉनों का वह औसत वेग है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की उपस्थिति के कारण इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो बेटा इस लेक्चर में आपने इतनी सारी चीजें सीखी जो है, अगले लेक्चर में हम इसका पूरा मैथमेटिक्स करने वाले हैं और इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू बच्चों।